हेलो एवरीवन, स्टैंडर्ड 12th में अकाउंट में रिवीजन में लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 4 का सेक्शन सी एंड सेक्शन बी कंप्लीट किया था। आज हम चैप्टर नंबर 5 का जो सेक्शन सी है उसमें जो सम्स आने वाले हैं उसका हम रिवीजन करेंगे। यहाँ पे हम कुछ फ्यू इलस्ट्रेशंस करेंगे बट बाकी के सारे सम्स हैं वो आपको आपकी बुक में एज अ रिवीजन जो लास्ट में वीडियो में मेंशन किए गए वो आपको आपकी नोटबुक में करने हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट। यहाँ पे हम इलस्ट्रेशन 3 करेंगे। तो ए एंड बी आर पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 4:3। दे एडमिटेड सी एज अ न्यू पार्टनर विद 1/7 शेयर। सी ओपन 221 शेयर फ्रॉम ए एंड 121 शेयर फ्रॉम बी। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। अब यहाँ पे हमें न्यू रेशियो फाइंड करना है। ओल्ड रेशियो हमें दे दिया 4:3 और सी का शेयर दे दिया 1:7। अब यहाँ पे सेक्रीफाइस जो है वो हमें दे दिया है। तो अब सेक्रीफाइस रेशियो और ओल्ड रेशियो के ऊपर से अगर हमें न्यू शेयर फाइंड करना हो तो न्यू शेयर हम किस से फाइंड करते हैं, ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस। तो ओल्ड शेयर हमें दिया हुआ है 4/7 एंड न्यू सेक्रीफाइस दिया हुआ है 2/21। दैट मीन्स 12-2। अब यहाँ पे 12 कैसे आए, अब यहाँ पे नीचे हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी करेंगे। दैट मीन्स फॉर 12-2/21 इज इक्वल टू 10/21। फिर बी का न्यू शेयर आएगा 3/7-21। दैट मीन्स कि 9-1/21 इज इक्वल टू 8/21। फिर C का न्यू शेयर कितना आएगा 1/7। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर हम इक्वल करेंगे तो नीचे हम 21 के लिए 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी करेंगे। डेट मीन्स कि यहाँ पे रेशियो क्या आएगा हमारा 10:8:3। इस तरह से यहाँ पे हमने इलस्ट्रेशन 3 किया। अब उसी के जैसा हम एक और इलस्ट्रेशन यहाँ पे करेंगे वो है इलस्ट्रेशन 7। तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, ए बी सी एंड द पार्टनर्स ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। द प्रॉफिट एंड लॉस एंड रेशियो 1/2, 3/10, 1/5 रिस्पेक्टिवली। दे एडमिट डी एज अ न्यू पार्टनर ऑफ द 1/6 शेयर। सी वुड रिमेन हिज शेयर आफ्टर दिस एडमिशन। कैलकुलेट अ न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। अब यहाँ पे जो प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो दिया 1/2, 3/10 एंड 5/2। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर हमें इक्वल करना है, 10 लेना है तो अगर हम नीचे 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी करेंगे। दैट मीन्स के 5, 3 है तो ऐसे। अब यहाँ पे नीचे 10 लाने के लिए हम नीचे 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी करेंगे। मतलब कि हमारा ओल्ड रेशियो क्या आया है यहाँ पे 5:3:2 और न्यू पार्टनर का शेयर कितना दिया हुआ है 1/6। अब यहाँ पे सी जो है वो उसका जो रेशियो है वो मेंटेन रखना चाहते हैं। दैट मीन्स कि 1/6, 1/5 उसका शेयर मेंटेन रहेगा और डी का शेयर हमें पता है। अब बाकी के जो दोनों पार्टनर्स उनका शेयर हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो हम किस तरह से फाइंड करेंगे, टोटल शेयर माइनस सी शेयर माइनस डी शेयर। अब यहाँ पे हमने टोटल रिमेनिंग शेयर हमारा कितना आया 19/30 वो किस तरह से आया, वन टोटल शेयर वन, उसमें से 1/5 हमने सी का शेयर फाइंड किया और 1/6 हमने डी का शेयर फाइंड किया। अब उसमें हम यहाँ पे जो ये जो शेयर है यहाँ पे ये जो रिमेनिंग पोर्शन मिला हम वो दोनों पार्टनर्स के बीच में उनके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ए का न्यू शेयर आएगा 19/13 to 5/8। अब डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे यहाँ पे तो 95/240 इस तरह से आया। उसके बाद हम बी का शेयर हमने फाइंड किया तो 19/13 to 3/8। दैट मीन्स कि 57/24। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए सी के शेयर के लिए नीचे हम 240 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी करेंगे। सेम इट इज़ यहाँ पे नीचे हम डी के शेयर के लिए 40 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी हम 40 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देन अवर रेशियो यहाँ पे क्या आया है, 95:57:48:40। इस तरह से यहाँ पे सम किया। यहाँ पे ये जो रेशियो फाइंड करने के हमने अभी दो ही सम किए बट आपको ये जो प्रैक्टिकल सम से वो सारे आपको आपकी नोटबुक में करने हैं इलस्ट्रेशन के साथ। अब हम उसके रिलेटेड अगर गुडविल कोई पार्टनर लेके आता तो वो हम किस तरह से जनरल एंट्रीज करते हैं उसके हम दो इलस्ट्रेशन करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इलस्ट्रेशन 10 करेंगे। आहाना एंड अमीना आर पार्टनर्स शेयरिंग लॉस प्रॉफिट एंड लॉस इनटू 3:2। द एडमिटेड अमन एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर। द गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 1,20,000। अरमान हैज ब्रिंग 50,000 एज अ कैपिटल एंड इज शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश। पास जनरल नोटिस रिगार्डिंग गुडविल। अब सबसे पहले हमें यहाँ पे ओल्ड रेशियो दे दिया गया है और पार्टनर का शेयर दे दिया गया था। उससे पहले हम पहले गुडविल का शेयर जो है वो फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे अमन का गुडविल का शेयर कितना होगा, 1,20,000 into 1/4। दैट मीन्स कि अमन कितनी गुडविल लेके आ रहा है, 30,000। अब
ये 30,000 जो है वो हम किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड पार्टनर्स के बीच में सेक्रीफाइस रेशो में। अब हमें सेक्रीफाइस रेशो भी फाइंड करना पड़ेगा। तो अब हम सेक्रीफाइस रेशो किस तरह से फाइंड करेंगे, यहाँ पे हमें टोटल प्रॉफिट सपोज 1 है, उसमें से अमन का शेयर हमने निकाल दिया तो कितना बचा रिमेनिंग न्यू शेयर 3/4। अब इस 3/4 को हम क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो के बीच में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। दैट मीन्स कि 3/4 × 3/5 = 9/20 and 3/4 × 2/5 = 6/20। और यहाँ पे डिनोमिनेटर हमने इक्वल किया, दैट मीन्स कि हमारा यहाँ पे न्यू शेयर कितना है 9:6:5। अब यहाँ पे हमने सेक्रीफाइस रेशियो फाइंड किया ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, ओल्ड शेयर हमें दिया हुआ है 3/5 माइनस न्यू शेयर दिया हुआ है 9/20। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए हम नीचे 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी करेंगे, दैट मीन्स 12 − 9/20 = 3/20 एंड अमीना का यहाँ पे 2/5 − 6/20। तो यहाँ पे भी हमने डिनोमिनेटर इक्वल किया था 2/20, तो यहाँ पे सेक्रीफाइस रेशियो आया 3:2। अब इस गुडविल के अमाउंट को हम दोनों पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितनी आएगी 18,000 and 12,000। तो अब इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, तो सबसे पहले यहाँ पे अमन जो है वो कैश और प्रीमियम लेके आ रहे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट 80,000 टू अमन्स कैपिटल अकाउंट 50,000 एंड प्रीमियम फॉर गुडविल 30,000। और इसको हम ओल्ड पार्टनर्स के बीच में सेक्रीफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करें, दैट मीन्स कि प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू अहनास कैपिटल अकाउंट क्रेडिट टू अमीनास कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। इस तरह से यहाँ पे हमने सारी एंट्रीज की। अब उसके बाद हम इलस्ट्रेशन 14 एक और है वो हम करते हैं। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। दे एडमिटेड डी एज अ न्यू पार्टनर, डी ब्रॉट 80,000 कैपिटल एंड 60,000 गुडविल इन कैश, द शेयर ऑफ गुडविल इज इन कैश पास नेसेसरी जनरल एंट्रेस, ऑल पार्टनर्स विड्रॉ 50% ऑफ देयर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, पार्टनर्स मेंटेन देयर कैपिटल अकाउंट एज अ फिक्स कैपिटल। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे जनरल एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे कैश ऑन कैपिटल डी कितनी लेके आ रहे हैं, 80,000 कैश एंड 60,000 गुडविल। तो यहाँ पे हमने लिखा है कैश अकाउंट डेबिट 1,40,000 टू डीज कैपिटल अकाउंट 80,000 एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट क्रेडिट 60,000। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, अब यहाँ पे उसको हम यहाँ पे, अब यहाँ पे ये जो प्रीमियम की अमाउंट है उसे हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो उससे पहले हम यहाँ पे सेक्रीफाइस रेशियो फाइंड करेंगे। यहाँ पे आपको न्यू शेयर एंड ओल्ड शेयर दोनों दे दिया, तो सेक्रीफाइस रेशियो हम किस तरह से फाइंड करेंगे, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो यहाँ पे ए का ओल्ड शेयर है 3/6 और माइनस न्यू शेयर है 4/12। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर हमने इक्वल किया तो 6 − 4/12, दैट मीन्स कि ए का सेक्रीफाइस है 2/12, बी का सेक्रीफाइस सेम इट इज हमने फाइंड किया तो 1/10, और सी जो है वो कोई भी सेक्रीफाइस नहीं कर। तो अब इस गुडविल के अमाउंट को हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2:1 में यहाँ पे हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, तो क्या आया प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 60,000 टू एस करंट अकाउंट टू बीस करंट अकाउंट। हमें करंट अकाउंट क्यों लिखा, क्योंकि पार्टनर्स जो है वो एज अ फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड के अकॉर्डिंग जो सारे अकाउंट्स है वो मेंटेन करते हैं, इसलिए। फिर इसमें से 50% अमाउंट विड्रॉ करें, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एस करंट अकाउंट डेबिट बीस करंट अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश अकाउंट क्रेडिट 30,000। इस तरह से यहाँ पे हमने किया। यहाँ पे ये जो दो इलस्ट्रेशन हमने किए, बट ऐसा नहीं कि आपको ये दो ही इलस्ट्रेशंस करने हैं, बट आपको यहाँ पे इसके रिलेटेड सारे इलस्ट्रेशंस और आपकी जो टेक्स्ट बुक में question number 3 एंड question number 4 जो है, जो दोनों आपको इसी तरह के सम्स हैं यहाँ पे, कि जो हम न्यू रेशो किस तरह से फाइंड करते हैं और गुडविल के अमाउंट किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं उसके हैं, वो आपको आपके होम असाइनमेंट में एज अ रिविज़न आपको करना है। इन द नेक्स्ट वीडियो हम सेक्शन जो अनदर सेक्शन है उसका रिविज़न करेंगे। थैंक यू।